फाइब्रोस जो होते हैं जिन्हें हम बच्चे दाने की रसोली के नाम से जानते हैं, ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है फीमेल्स का। यूजुअली ये जो ट्यूमर है पेल्विस के अंदर होते हैं और ये यूट्रस में और यूट्रस के बाहर भी हो सकते हैं। फाइब्रोस है क्या? फाइब्रोस बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो कि यूट्रस या यूट्रस के बाहर हो सकते हैं। और इनका जो मेन ओरिजन है वो मसल लेयर से होता है, मतलब जो मसल्स होती है यूट्रस की उससे इनका ओरिजन होता है। अब हमारे पास जो आज का जो हमारा वीडियो है उसका पर्पस ये है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसके मिथ्स और फैक्ट्स क्या है फाइब्रोस के बारे में। सबसे पहला जो हमें बाकी लोगों से सुनने को मिलता है वो ये है, बहुत सारे लोग हमारे पास फाइब्रोस की रिपोर्ट के साथ आते हैं कि उनको ये डर होता है कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइब्रोस नॉन कैंसर ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है और इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है, अराउंड 0.2 to 0.5%। सो इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैव कैंसर इन फाइब्रोस। सेकेंड जो मिथ है फाइब्रोस को लेके वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास रिपोर्ट लेके आते हैं फाइब्रोस ऑफ 2 centimeter, 3 centimeter या ऑफ इनवेरिएबल साइज 5 centimeter, 6 centimeter विदाउट एनी सिम्टम कि इसमें हिस्टेक्टमी ही होगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिम्टम्स। तो इसके बारे में हमारा फैक्ट ये रहेगा कि फाइब्रोस अगर एसिम्टोमेटिक है रिगार्डलेस ऑफ द साइज और उनका साइज अगर इंक्रीज नहीं हो रहा है रैपिडली, अगर वो टेंडर नहीं है, then in that case you don't need any kind of intervention। हर बार फाइब्रोइड में हम कोई एक्टिव ट्रीटमेंट में इंडल्ज करें रिगार्डलेस ऑफ द एज, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो चाहे सर्जिकल, वो जरूरी नहीं है। फाइब्रोइड को कंजर्वेटिवली भी मैनेज किया जा सकता है। तीसरा मिथ जो हमारे साथ फाइब्रोइड को लेके है वो ये है कि हमारे पास बहुत बार पेशेंट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को लेके आते हैं फाइब्रोड मेंशन होता है 2 centimeter, 3 centimeter, एनी साइज यंग पेशेंट हमारे पास आता है विद इनफर्टिलिटी, तो उसके दिमाग में यही होता है कि इनफर्टिलिटी फाइब्रोड की वजह से ही है। तो फैक्ट ये है कि फाइब्रोड हमेशा इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इट मे और मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी एंड इट इज नॉट द ओनली फैक्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी। हमें इनफर्टिलिटी के बाकी जो फैक्टर्स हैं जैसे कि मेल फैक्टर, हम सीमन एनालिसिस करते हैं, हम ओवुलेटरी डिसफंक्शन मतलब हम ये देखते हैं कि एग बन रहा है कि नहीं बन रहा, ट्यूबल फैक्टर कि आपकी ट्यूब ओपन है या नहीं है, बच्चेदानी में कोई और रसोली एडिनोमायोसिस कोई और फैक्टर तो नहीं है, इंडिया में जैसे हम लोग टीबी भी रूल आउट करते हैं, तो हमें बाकी फैक्टर्स को भी रूल आउट करना जरूरी है बिफोर डिक्लेयरिंग कि फाइब्रोड ही इनफर्टिलिटी का कारण है। सेकेंड थिंग, हर फाइब्रोड इनफर्टिलिटी नहीं करता, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। जैसे अगर हम लोकेशन की बात करें तो सब म्यूकोजल फाइब्रोड ज्यादा कॉमनली इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं, या डिपेंडिंग ऑन लोकेशन की आपके वो स्पर्म्स को असेंड नहीं करने दे रहा, या फाइब्रोड की लोकेशन ऐसे है कि उसने ट्यूब्स को पार्शली ब्लॉक किया हुआ है, या फाइब्रोड की लोकेशन ऐसे है कि वो प्रेगनेंसी को रुकने ही नहीं दे रहा बच्चेदानी में, इस रीजन की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप फाइब्रोड का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो दिस इज नॉट द श्योरिटी कि आपको उस ट्रीटमेंट के बाद में यू विल कंसीव डेफिनेटली, क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी आपके इनफर्टिलिटी के लिए जुड़े हो सकते हैं। और कुछ ऐसे फाइब्रोइड जिनकी लोकेशन आउटसाइड द यूट्रस है, हो सकता है वो आपको इनफर्टिलिटी कर ही नहीं रहे हो। तो हमें हमेशा इनफर्टिलिटी को फाइब्रोइड के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, हमेशा अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है अपने डॉक्टर से सलाह लें और उससे जानकारी लें। बाकी अगर आप हमसे कुछ भी फाइब्रोइड को लेके जानना चाहते हैं तो हम लोग लाइव जाने वाले हैं फेसबुक पे 29th December, आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं और जो भी आप हमसे फाइब्रोइड के बारे में पूछना चाहते हैं उसकी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।